हे एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग, UPSC के रिगार्डिंग। उसके बारे में हम बात करेंगे। LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो 2018 की वैकेंसी थी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शुरू से लेकर एंडिंग तक पूरी वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन जो इशू हुई थी इसकी, वो हुई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 को 15/3 को। ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो आपके 15 से ही स्टार्ट हो गए थे, जो कि आपके कब तक चले थे, वो 12/4 तक चले थे। मतलब 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद रीओपन लास्ट डेट अप्लाई, मतलब रीओपन दोबारा फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 14 तक दोबारा ये चले थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट आपकी 29 तारीख आई थी, 7वें महीने की 2018 में। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके ठीक है एक हफ्ते पहले आप डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो बात आती है वो इसका रिजल्ट है आपका कब आया था। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस स्टार्ट वो आपका 16/3/2019 को हो गया था। पर क्या हुआ था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये रिजल्ट अपडेट कब होगा हमारा, ये उसके रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे। तो मैं बता देता हूँ आपका रिजल्ट आपका जो अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, 10,768 पोस्टें थी इसमें असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड की, जिसके अंदर बैचलर डिग्री मांगी गई थी, साथ में BEd एग्जाम पास मांगा गया था। ठीक है, मेल के लिए 5,000 के प्लस थी और इसके अंदर भी 5,400 के आसपास थी। तो इसके रिगार्डिंग कोई इशू आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है पूरा डिटेल में अपडेटेड जो रिजल्ट है वो आपको पूरा आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब चैनल की जो वीडियो के नीचे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर हमारा गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी नाम से फेसबुक पेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं डिटेल में जो आपका रिजल्ट आया है। इसके रिगार्डिंग कोई इशू आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या कोई इशू आता है तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का और हर एक क्वायरीज़ का हम जल्दी से आपको आंसर दे सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें।